तो जनाब ये कुछ इस तरह का रास्ता है, सामने आम के जो बाग हैं वो हैं और यहाँ पे गंदम की खेती हो चुकी है और इस साइड ये है हमारा सामने घर और ये बैठक है जहाँ पे मेहमान वगैरह आते हैं उनके लिए। तो अभी मैं जाने लगा हूँ आगे, आगे चल के आपको ये बाग दिखा दूँ जो कि पूरा लगाए हुए हैं हमने आम यहाँ पे। और अभी आम का सीज़न है नहीं तो आम तो नहीं है, लेकिन बाग चेक करवा देता हूँ। और ये है जी यहाँ की खूबसूरती। हमारे साथ हमारा बॉडीगार्ड सामने जा रहा है, इसे हमारे पीछे चलना चाहिए था लेकिन हमारे आगे ही जा रहा है। और ये कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ का चारों तरफ। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि देख ही सकते हैं गांव में हूँ आज। और भाई आज सुबह जल्दी जल्दी उठा था, अभी हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी। सुबह 6 बजे उठा था तो 6 बजे के सीन्स देख लो, उसके बाद अपना आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आप लोगों ने सारे सीन्स देख लिए होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा रास्ते पे, जो यहाँ का रास्ता है वहाँ पे, और वहाँ पे चल के वो आप लोगों को दिखाते हैं। और आज भाई अपने गांव को पूरा दिखाएंगे, क्योंकि हर व्लॉग में थोड़ा थोड़ा दिखाया है तो आज पूरा गांव चेक करवाएंगे। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं सीधा रास्ते पे, वहाँ पे चल के वो रास्ता दिखाते हैं। तो वहाँ से आगे जाऊँगा और चलूँगा तो इस तरह से होगा सारा काम, तो आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे चल के दिखा देते हैं। तो जी इस जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे आने के लिए निकले थे। तो यार ये कुछ इस तरह की जगह है पूरी, चेक कर सकते हो अगर नज़र आ जाए तो। तो भाई आज ये जैकेट शेकेट पहनी हुई है क्योंकि सर्दी जो है वो पहुंच चुकी है और सर्दियों की ये है शुरुआत। बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं है लेकिन इतनी ज़रूर है कि ये जैकेट शेकेट मुझे पहननी पड़ी। तो भाई यहाँ से जो नज़ारा आता है नज़र, वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो जी ये नीचे ये बड़ा सा कोई पेड़ का टुकड़ा जो कि यहाँ तक आ चुका है और मछलियाँ भी हैं मरी हुई। ये कोई पानी का सिस्टम है क्योंकि सैलाब आया था, तो सैलाब के बाद मछलियाँ कुछ ज़्यादा हो जाती हैं। और ये पेड़ का कोई टुकड़ा है जो कहीं से यहाँ तक पहुँच चुका है। तो जी थोड़ी देर पहले हम थे उस जगह पे, इसके उस साइड, और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ। और कुछ इस तरह के नज़ारे हैं इस तरफ ये शुगर केन, और यहाँ पे गंदम की जो खेती हो चुकी है। और कुछ ये चेक कर सकते हो, बड़ी भी हो चुकी है। और अभी हम लोग जाने लगे हैं घर की तरफ, और ये कुछ इस तरह का रास्ता है। तो जी आगे चलते हैं, और यहाँ पे ये बाग है।
और मुझसे बोला नहीं जा रहा क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। शबनम ये चेक कर सकते हैं, मेरे हाथ पानी हो चुके हैं यानी के, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है गंदम के लिए। और यहाँ पे ये पूरी गंदम लगाई गई है जिसकी वजह से पूरी हरियाली हो चुकी है। और ये जी कोई बाग है खजूरों का, ये चेक कर सकते हैं। और अभी इस रास्ते से सीधा जाएंगे घर की तरफ। जी हमारे साथ हमारा बॉडीगार्ड सामने जा रहा है, इसे हमारे पीछे चलना चाहिए था लेकिन हमारे आगे ही जा रहा है। और ये कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ का, चारों तरफ दिखा दूँ तो जी यही है नज़ारा। फाइनली जनाब घर पहुँच चुके हैं और अभी कुछ इस तरह का इरादा है कि मोबाइल को चार्ज कर लें, उसके बाद अपनी मुलाकात हो। तो थोड़ी देर में हम लोग हाज़िर होते हैं जी। अभी टाइम हो चुका है 10 बजे का और मोबाइल को चार्ज करता रह गया था। अभी ये चेक कर सकते हो, कुछ इस तरह का सीन है यहाँ का। ये बैठक आप लोग समझ सकते हो इसको, यहाँ पे मेहमान वगैरह आते हैं, ये वो जगह है। और अभी मैं जाने लगा हूँ, सामने बाग है वो दिखाने के लिए जो कि आम का बाग बना हुआ है। तो अब वो चल के दिखाते हैं, आगे चलते हैं और सब कुछ आप लोगों को दिखा देते हैं। तो जनाब ये कुछ इस तरह का रास्ता है, सामने आम के जो बाग हैं वो हैं और यहाँ पे गंदम की खेती हो चुकी है। और इस साइड ये है हमारा सामने घर और ये बैठक है जहाँ पे मेहमान वगैरह आते हैं उनके लिए। तो अभी मैं जाने लगा हूँ आगे, आगे चल के आपको ये बाग दिखा दूँ जो कि पूरा लगाए हुए हैं हमने आम यहाँ पे। और अभी आम का सीज़न है नहीं तो आम तो नहीं है, लेकिन बाग चेक करवा देता हूँ। और ये है जी यहाँ की खूबसूरती, ठंडी हवाएं चल रही हैं। सुबह देखा ही होगा आप लोगों ने, मैंने जैकेट वगैरह पहनी हुई थी, ठंड थी, लेकिन अभी 10 बज चुके हैं तो कुछ माहौल सही हो चुका है। और ऊपर ये चील वगैरह उड़ रही हैं क्योंकि कोई शादी वगैरह थी किसी की, उस वजह से अभी ये ऊपर चेक कर सकते हैं आप लोग। तो आने लगा हूँ आगे, ये पूरा आम का बाग है, ऊपर ये उड़ रही हैं, चेक कर सकते हैं आप लोग। तो अब आम के जो बाग लगे हुए हैं ये चल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। भाई साहब अभी ये पूरे आम के बाग हैं, ये चेक कर सकते हैं आप लोग यहाँ से ये पूरे जो भी हैं। और यहाँ पे ये गंदम की खेती है, इस वजह से मैं नहीं जा रहा क्योंकि ये ख़राब हो जाएगी चलने की वजह से। बाकी ये जो है ये आम के पेड़ लगे हुए हैं और सैलाब की वजह से इनको थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ था लेकिन अभी कुछ सही है, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। ये पूरा बाग है, गर्मियों में आम होते हैं तो जब होंगे वो भी दिखा देंगे आप लोगों को। बाकी ये चेक कर सकते हैं सामने, ये बैठक है, ये घर है हमारा। और अभी मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये ज़मीन है पूरी। तो जनाब आज का व्लॉग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।